एक्सक्यूज मी, हेलो जी, बोलिए। आई रागिनी, आई एम न्यू रिक्रूट, इट इज फर्स्ट डे। जयंत सर, जयंत सर, सर न्यू जॉइनिंग। हेलो सर, मैंने आपको शायद पहले भी कहीं देखा है। मुझे नहीं, शायद मेरा इल्यूजन होगा, क्योंकि आपका चेहरा मेरे एक पुराने केस के डेड विक्टिम से मिलता है। उसका नाम रागिनी था। रागिनी सर, मेरा भी नाम रागिनी है। सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात पूछूं। ऐसा क्या था इस केस में कि आपको आपके डेड विक्टिम की याद आ गई? ऐसा क्या हुआ था इस केस में? कौन थी ये रागिनी? मेरा नाम रागिनी है, सिर्फ रागिनी। सुन रहे हो ना तुम? सुन रहे हो ना? इस रस्सी के धागों की तरह मेरी जिंदगी भी उलझी हुई है। हम जब अपनी काबिलियत के दम पे अपना कद ऊंचा करने की सोचते हैं। माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप पापा को शाम की दवाई याद से दे दीजिएगा, वरना ये तो भूल ही जाएंगे। और आप पापा प्लीज ये बीड़ी मत पीजिएगा, वरना फिर से आपके फेफड़ों में पानी भर जाएगा। जानता हूँ, मेरी बीमारी के चलते तुम्हारा खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं भी तो बेटी की कमाई खा खा कर घुटता जा रहा हूँ। इसी हताशा में न जाने कब बीड़ी मुंह में लग जाती है। ये कैसी बातें सोचते रहते हैं आप पापा? आप बस अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और हाँ, अगर आपने दोबारा बीड़ी पीना तो मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं, देखो ऐसा हर किस मत करना। चलो नहीं पीऊंगा। अरे पगली, मैं भी तो चाहता हूँ कि तंदुरुस्त हो जाऊं और कोई नई नौकरी ढूंढूं। मुझे भी तो अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए पापा। आपने भी तो जिंदगी भर मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया, वरना हमारे समुदाय के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं जाने देते। तभी तो पूरी बिरादरी को तुझ पर गर्व है। झोपड़े में रहने की किस्मत थी हमारी, आज तुम्हारी वजह से इतने अच्छे घर में रह रहे हम लोग। माँ, अभी तो घर की हालत और सुधारनी है, ऊपर एक और फ्लोर बनाकर घर को ऊंचा करना है। अरे बेटा, अब और कितना ऊंचा उठेंगे? पापा, बात मकान ऊंचा करने की नहीं है, बात हमारे स्वाभिमान की है। अब तक हम सर झुका कर जीते आए हैं, अब जब सर उठाने का मौका मिला है तो तबीयत से उठाएंगे। माँ, माँ एक कप चाय बना दो प्लीज। तेरी बहन सबके लिए खाना बना के ऑफिस भी चली गई, तू खुद के लिए चाय नहीं बना सकती? मेरी तुलना ना उससे मत क्या करो। तेरी तुलना मैं उससे करना भी नहीं चाहती। तू उसके एड़ी के बराबर भी हो जाए ना तो मैं गंगा नहा लूंगी। मुझे तो लगा आज तुम बस मिस कर दोगी। आज बस मिस होती तो बहुत जान से मार देता, बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन है। ये धागा कैसा बांध रखा है? ये तो बस ऐसे ही। तू जो मुझे वो हॉरर क्लिप्स भेजता है ना, सपने में भूत आने लगे मेरे, उसे बचने के लिए बांधा है। तू भी इन पर तो विश्वास करती है? हंस मत, चल बस आ गई। वैसे तुम्हारे सपने में जो भूत आते हैं वो दिखते कैसे? पागल तू भी, छोड़िए सर। अच्छा सुन, जो मैं ऑफिस में प्रेजेंटेशन दिखाने वाली हूँ, तू उसे एक बार सुन और अपना फीडबैक दे।
ऐसे कैसे हाथ लगाया तूने मेरे को? टच कैसे किया तूने? अरे गलती से हो गया ना टच। तूने कल भी यही किया था, मैंने इग्नोर किया। अरे भाई साहब मत बोल कुछ, क्या चल रहा है? छेड़खानी करता है भैया, इसने कल भी यही किया था। अरे तू रुक ना भाई, चल कुछ नहीं बोलेगा यार, छेड़खानी कर रहा है तू बस। मैंने कुछ नहीं किया है मैडम, कल से बस मैं नहीं आने दूंगा। कल भी इसने यही किया था। जाने दो रागिनी, उस पर फोकस मत करो, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। मैं सिर्फ एक ही टिप देना चाहता हूँ, इंग्लिश उतनी ही बोलना जितनी संभाल पाओ, वरना तुम्हारे टैलेंट में कोई कमी नहीं। मेरी इंग्लिश भी पहले मेरे सपनों की तरह टूटी फूटी सी थी, इंग्लिश फिर भी आ गई, लेकिन सपने रिपेयर होना बाकी थे। और जब आपने अपने पिता को दिहाड़ी मजदूरों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा देखा हो, तो खुद को सबसे आगे खड़ा पाके भी आखिरी पंक्ति की वो दुश्वारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन कहते हैं किस्मत भले ही मात खा सकती है, पर काबिलियत वो कभी मात नहीं खाती। हाय हाय, ये भूत तो बड़े लकी साबित हुए यार तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपने में आए और इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट? तुम्हारी सैलरी 25% बढ़ाने का अप्रूवल मिला है। क्या आजकल बॉस कुछ ज्यादा ही मेहरबान है रागिनी पे? हाँ लेकिन रागिनी डिजर्व भी तो करती है। डिजर्व तो मैं भी करती थी, लेकिन मैंने बॉस को खुश करने से मना कर दिया तो उसको अब रागिनी मिल गई है। मतलब क्या है तुम्हारा? जानते नहीं हो क्या अपने बॉस को? आजकल रागिनी के साथ सो रहा है। मैडम वो आपने न्यू बायोमेट्रिक एंट्री वाला फॉर्म भर दिया? हाँ पवन जी भर दिया। ये लीजिए। अरे मैडम इसमें तो सरनेम ही नहीं है। मेरा कोई सरनेम नहीं है पवन जी। सरनेम तो सबका होता है, कोई हवा से थोड़ी ना आता है, सब अपने बाप दादा के कुल से ही आते हैं। वैसे आपका कुल क्या है मैडम? पवन जी फालतू की बातें छोड़िए और जाइए अपना काम करिए। लाइए मैडम अपना फॉर्म दीजिए। पवन जी आप ठहरे कुलवान व्यक्ति, क्यों ऐसे लोगों से उलझते हैं जो अपनी जात छुपाते हैं? मतलब ये कि रागिनी ठहरी आपसे नीचे वाली और देखिए आपकी बॉस बन के बैठी है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे नीच लोगों की आवाभगत करनी पड़ेगी। रागिनी तूने मुझसे अनजाने में झूठा उठवा ये ना, अब देख मैं तुझे झूठा खिलाता भी हूँ, झूठा पिलाता भी। हाँ सॉरी भैया थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन मेरे आने से पहले आप ढोल वालों को मत भेजना, आखिर मेरे भतीजे का कुंडल पूजन है, आज तो जम के नाचना है। ओके भैया बस पहुंच रहा हूँ। अरे अंकल थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना। बेटा इस रोड पर स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। थोड़े रूल्स तोड़ भी दोगे तो क्या हो जाएगा, मुझे भी लेट हो रहा है। रूल होता है, क्यों बेचारे पे दबाव डाल रहे हो? रहने दो भाई साहब, टैक्सी चलाते चलाते रोज रोज नई सवारियां, नए नखरे, अब तो इनको झेलने की आदत सी पड़ गई है। कब से चला रहे हो टैक्सी? बहुत सालों से चला रहा हूँ भाई साहब, 18-20 घंटे डेली चलाता हूँ। अंकल बुढ़ापा आ रहा है, इतना काम करोगे ना तो उम्र के पहले ऊपर चले जाओगे। अब काम नहीं करूंगा तो अपने घर वालों की जरूरतें पूरी कैसे करूंगा, और रही बात ऊपर जाने की तो एक दिन सबको ही जाना है। रागिनी फोन नहीं उठा रही है। 10 बजने को आया, कहाँ रह गई वो? अरे उसके दफ्तर में फोन करो ना। दफ्तर का नंबर तो गीतांजलि के पास है। बाय। हेलो रागिनी तुम्हारे साथ है? मेरे साथ क्यों होगी वो? वो दफ्तर से अभी तक घर नहीं आई, एक बार उसके दफ्तर में फोन करके पूछना। ठीक है। उसके ऑफिस में भी कोई कॉल नहीं उठा रहा है माँ, ऑफिस बंद हो गया होगा। एक काम करना, उसके साथ जो काम करते उनको एक बार फोन करके पूछना। आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो, गई होगी ना कहीं मौज करने आ जाएगी।
क्या बकवास कर रही है ये? बकवास मैं नहीं कर रही हूँ पापा, और ये आप दोनों की गलती का ही नतीजा है। 27 साल की हो गई है लेकिन उसकी शादी के बारे में आप लोगों ने नहीं सोचा, तो कहीं तो जाएगी ना अपनी जरूरत। जुबान है क्या कैची? बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती कि सामने बाप खड़ा है। ये तो पहले ही यहां से निकल चुकी है, अब छोटी की सोच। मैं जाता हूं उसे ढूंढने। अरे आप कहां जाएंगे, वैसे ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती। आप रुकिए, मैं जाती हूँ, आप रुकिए। अरे बेटी घर वापस नहीं आए, मैं यूं हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रह सकता, हटो। सुनिए पापा सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। चलिए मैं चलती हूँ आपके साथ। सर ये आत्महत्या लगती है। आत्महत्या नहीं कर सकती है मेरी बेटी। संभालिए अपने। कल रात हमने इन्हें सब कुछ बताया था, इन्होंने कुछ नहीं किया और इनकी लापरवाही का नतीजा है सर कि मेरी बहन की हालत हुई है। आप लोग पीछे हटिए। आप लोग अली खबर सामने आई है, एक रात पहले हुई गुमशुदा लड़की का शव आज सुबह मिरदास रोड पे एक पेड़ से लटका पाया गया। सूत्रों के मुताबिक पीड़ित के परिवार ने एक रात पहले ही युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मर्डर है या सुसाइड। आपको लगता है कि रागिनी ने सुसाइड नहीं किया बल्कि किसी ने उसकी हत्या की? ये हत्या ही है साहब। मेरी बेटी ने कभी भी किसी समस्या के सामने घुटने नहीं टेके। किसने की होगी हत्या? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। नजर लग गई साहब, हम लोग भूमिहीन लोग हैं। 3 साल पहले रागिनी की यहाँ नौकरी लगी थी और 1 साल पहले बहुत मेहनत कर उसने बैंक से कर्ज लेकर ये घर बनाया। आप भी देखिए सारे सपने कैसे टूट गए। रागिनी घर से ऑफिस कैसे आती जाती थी? सरगुन पेट से कोई भी सीधी बस नहीं उसके ऑफिस आवानगर के लिए, इसलिए वो सवारी के टेम्पो से नंदी चौक तक जाती थी और वहां से उसके ऑफिस के लिए सीधी बस मिल जाती थी। रागिनी आवानगर अपने ऑफिस से बस लेकर पहले नंदी चौक आती थी, फिर यहां से शेयरिंग ट्रांसपोर्ट लेके अपने घर सरगुन पेट। लेकिन हमें रागिनी की लाश मिली मिरदासपुर सरगुन पेट से 5 किलोमीटर आगे, यहां से कट जाते हैं, और हमें रागिनी की लाश यहाँ 1 किलोमीटर अंदर मिली। और सर इस पूरे रूट पे कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। शर्मा जब सीसीटीवी नहीं थे तब भी केसेस सॉल्व होते थे। इस पूरे रूट को स्कैन करो और ये भी पता करो कि रागिनी अपने ऑफिस से कितने बजे निकली थी। रागिनी मिरदासपुर क्यों गई? वो वहाँ खुद अपनी मर्जी से गई या कोई उसे ज़बरदस्ती लेकर गया? ये सुसाइड या अबेटमेंट टू सुसाइड या फिर मर्डर? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। फोन कट मत करना। तुम्हें पता है ना मैंने रागिनी के लिए तुम्हें फोन किया। क्यों? उसकी किस्मत तो तुम ही लिख रहे थे ना, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? किस्मत तो मैं तुम्हारी भी लिखना चाहता। मेरी किस्मत तुम बहुत पहले ही खराब कर चुके हो। तुम ही हो ना पनौती हम दोनों बहनों के बीच में।
मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, और क्या पता रागिनी को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। बकवास बंद करो गीतांजलि। बकवास आदमी तो तुम हो। अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें मार के लटका देती मैं, समझे तुम? गीतांजलि ये सब क्या है? हाँ मैंने तुमसे क्या कहा था कि 10,000 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करना है, और तुम 27,000 रुपए उड़ा कर आई हो उन सब में। 10,000 में आजकल कहाँ कुछ मिलता है योगेंद्र। जितनी चादर हो ना उतने पैर पसारने चाहिए गीतांजलि। ये इतने महंगे ब्रांड्स के कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी? हाँ एक तो महंगे के महंगे और ऊपर से ऐसे फटे हुए ऐसे भद्दे कपड़े। तो तुम्हें साड़ी पहनने वाली बीवी चाहिए, ये शादी से पहले बताना चाहिए था ना। लेकिन फैशन के नाम पे अपनी बीवी को ऐसे फटे हुए और भद्दे कपड़े नहीं पहनने दे सकता मैं। तुम्हें पता भी ऐसे कपड़े पहनने से क्या होता है? दुर्भाग्य आता है, गरीबी आती है। अच्छा तो जो ऐसे कपड़े मॉडल्स पहनती है ना उनका जाकर बैंक बैलेंस चेक करो पहले। डकियन उसी ख्याल वाले से शादी हो गई मेरी। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ छोड़ो, अपनी मर्यादाओं में रहो। देखो हाँ छोड़ो, तुम कहना क्या चाहती हो? छोड़ो, तुम अपनी हद में रहो ठीक है। दीदी पागल हो गई हो क्या? अपने पति पर ऐसे कौन हाथ उठाता है? और कौन सा पति ऐसे अपनी पत्नी पे हाथ उठाता रहता है पता भी है तुझे? और इतने मुझे मौत तक फिरता रहता है ये। आ गई वकालत करने। जीजा जी जीना मुश्किल कर दिया तुम्हारी बहन ने मेरा। मैंने आज तक उस पर हाथ नहीं उठा उसने। जीजा जी संभालिए अपने आप को। दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सर मैं मान ही नहीं सकता कि रागिनी सुसाइड कर सकती है। मैं उसे तब से जानता हूँ जब उसने 3 साल पहले यहाँ ज्वाइन किया था। लोग उसका मजाक भी बनाते तो वो कभी गिव अप नहीं करती थी सर। लोग उसका मजाक बनाते थे? ये अभी की बात नहीं है, वो 3 साल पुरानी बात है सर, जब उसने एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था यहाँ पर। एक्सक्यूज मी मैम, आई प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। आई प्रिपेयर नहीं, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस रिपोर्ट होता है। वो पहले विजिता मैम की असिस्टेंट थी, लेकिन रागिनी ने अपनी लगन से ऐसा काम किया, 6 महीने पहले ही विजिता मैम क्या हम सबकी बॉस बन गई। कल ही रागिनी का इंक्रीमेंट हुआ था सर, वो बहुत खुश थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सुसाइड कर ले। क्या कोई ऐसा है जो उसकी तरक्की से जलता था? नो आइडिया सर, लेकिन लगता था वो अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब थी। तुम उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानती हो? नॉट मच सर, लेकिन इस बारे में आपको अरविंद काफी कुछ बता सकता है। वो मैडम रागिनी मैडम और अरविंद सर दोनों साथ में एक ही बस में आते थे और एक ही बस में जाते थे। उस शाम भी वो दोनों लोग एक ही साथ वापस गए थे। बस कौन सी थी? बस का नंबर बोलिए। मैडम बस का नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन बस रोज शाम को 5 बजे ऑफिस के सामने से निकलती थी। हाँ सर, ये लड़की रोजाना इसी बस से जाती थी, पर उस दिन इस बस से नहीं गई थी सर। क्या ये लड़की उस दिन बस में नहीं चढ़ी थी? नहीं सर। अच्छा, इसके ऑफिस का एक दोस्त भी इसके साथ जाता था बस में? सर एक लड़का जाता तो था, पर उस दिन तो वो लड़का भी बस में नहीं चढ़ा था। कहीं ऐसा तो नहीं रागिनी उस दिन अरविंद के साथ कहीं गई थी? पता करो अरविंद का, थाने बुलाओ उसे। ओके सर। सर मैं नहीं जानता रागिनी के साथ उस रात क्या हुआ। रागिनी और तुम दोनों एक साथ उस बस में जाते थे, लेकिन उस दिन तुम दोनों ही उस बस में नहीं चढ़े। बोल रागिनी को लेकर कहाँ गया था? सर मुझे किसी काम से विदिशा जाना था, मैंने वो बस पकड़ी नहीं, लेकिन रागिनी उसी बस से गई थी। सॉरी यार, मैं आज तुम्हें बस में कंपनी नहीं दे पाऊंगा। तो क्या हुआ यार, कोई बात नहीं मैं चली जाऊंगी। लेकिन ड्राइवर तो बोल रहा है कि रागिनी उस बस में चढ़ी ही नहीं। तुमने खुद देखा था रागिनी को चढ़ते हुए? सर देखा तो नहीं था, लेकिन हम रोज उसी बस से जाते थे। बस वाला झूठ तो नहीं बोल रहा? क्योंकि रागिनी नंदी चौक से बस में चढ़ती थी। बस स्टॉप पर पता करते हैं क्या रागिनी को किसी ने बस में चढ़ते हुए देखा था, और बस की बाकी सवारी से बात करनी होगी। गिनचुन के 4 ही तो लोग हैं हम लोग, और ऊंचा मकान बनाने की क्या जरूरत है? बाबा अब तक हम सर झुका के जीते आए हैं, लेकिन अब जब सर उठाने का मौका मिला है तो तबीयत से उठाएंगे। अब
अगर आपने दोबारा बीड़ी पी ना तो मैं सच में आपसे बात नहीं करूंगी। नंदी चौक के बस स्टैंड के पास रिक्शा वाला मुझे मिला। इसने रागिनी को उस शाम को यहाँ पे देखा था, लेकिन इसका कहना है कि उस शाम रागिनी बस से नहीं बल्कि किसी के साथ बाइक से आई थी। क्या देखा था आपने? उस दिन शाम को बाइक से देखा था और एक लड़की के साथ। वो हेलमेट पहना हुआ था। ये लड़का था? ये तो खुद उनके साथ आता था बस से। वो कोई और था। गाड़ी का नंबर? नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन लाल कलर का बाइक था। क्या टाइम हो रहा होगा? करीबन 6 या 7 बज रहा था। मैम यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। अरे कुछ तो होगा, आगे पीछे आसपास कहीं ना कहीं चेक करो। अब आगे एक पेट्रोल पंप है ना? जी। वहाँ जाके चेक करो, हो सकता है उनके सीसीटीवी से पता चले कि रागिनी किस बाइक से आई। रागिनी जी के घर यही है? हाँ। मैम के कुछ पार्सल है। बाइक का तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन उस शाम को रागिनी नंदी चौक के पेट्रोल पंप के एक सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई थी। वो शाम को तकरीबन 7 बजे एक कैब में बैठी हुई दिखी। ये देखिए। किसकी कैब है? अब बिना वक्त गवाए ये बता दे कि लड़की को क्यों मारा, बोल। साहब मैं मानता हूँ वो लड़की मेरी टैक्सी में बैठी थी। ये वो लड़की को लेकर गया कहाँ था? साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं शहर ही टैक्सी चलाता हूँ, कौन कहाँ पे उतरता भी याद नहीं मुझे। कोई बात, हम याद दिलाएं। याद दिला जरा से। साहब 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 रुकिए, मुझे याद आ रहा है साहब। सर मैंने उस लड़की को ना मिर्दास रोड पे छोड़ा था साहब। कितने बजे होंगे तब? सर उस वक्त 8 बजे होंगे। उस रात गाड़ी में और कितनी सवारियाँ थी? सर उस लड़की के अलावा 3 सवारियाँ और थी। कौन थी वो 3 सवारी? सर मैं पहचानते नहीं उनको, शहरी टैक्सी चलाता हूँ ना, अलग अलग जगह से चढ़ी थी। वो सवारियाँ उतरी कहाँ थी ये तो याद होगा? सर वो पहली सवारी तो कीर्ति नगर उतरी थी और दूसरी वृंदापुर और तीसरी मालवीपुर उतरी थी सर। वो लड़की रागिनी हर रोज नंदी चौक से अपने घर सरगुन पेट जाने के लिए शेयरिंग ट्रांसपोर्ट लेती थी, तो वो मिर्दास रोड क्यों जाएगी? अब वो मुझे नहीं पता साहब। कोई बात नहीं, हम पता लगा लें। इसकी टैक्सी का फोरेंसिक करवा। सर निमिष, तुम्हारी टैक्सी में ई वॉलेट बार कोड है? हाँ सर है। तो पैसेंजर से पेमेंट कैसे लेते हो, ई वॉलेट से या कैश? सर ई वॉलेट से भी और कैश भी दोनों। उस रात उन तीनों सवारियों ने पेमेंट कैसे की थी? सब एक सवारी ने तो ऑनलाइन किया था और बाकी ने कैश। ट्रांजेक्शन दिखा और उस लड़की को जहां उतारा था वो लोकेशन दिखा। चलो उतरो। हाँ साहब यही वो जगह है, यही उतारा था मैंने उस लड़की को। वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर रागिनी की लाश रखी हुई है।
लगता नहीं, आसपास कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि रागनी या किसी के घर पे आई हो। उस रात को किसी ने रागनी को यहाँ आते जाते देखा। रागनी के घर वालों ने ऐसा कुछ कहा नहीं कि उनकी जान पहचान का यहाँ क्यों रहता है, फिर भी पता करो। ओके सर, विकास। हाँ समर। सर उस शाम कैब वाले को रमेश कुमार नाम के एक आदमी ने ई वॉलेट से पे किया था। सर ये आदमी कीर्ति नगर में रहता है, मैंने उसे बुलवा लिया। ठीक। हाँ सर, कल ये कैब में थी, पिछली सीट पे बैठी हुई थी। तुमने इस लड़की के साथ कहाँ तक ट्रैवल किया था? शायद मिर्दास रोड। इस लड़की, तुम्हारे और टैक्सी ड्राइवर के अलावा टैक्सी में और कितने लोग? सर दो जन और थे, एक अंकल थे बहुत बुजुर्ग, बार बार खांस रहे थे, और सर एक लड़का था यंग। कौन थे वो दोनों, जानते हो? नहीं सर, मैं नहीं जानता। वो दोनों एक दूसरे को जानते? सर ऐसा देख के तो नहीं लगा, पर वो लड़का बहुत जल्दी में था सर, उसे किसी फंक्शन में जाने के लिए बोल रहा था। आखिर मेरे भतीजे का पुण्य पूजन है, आज तो जम के नाचना है। कैब ड्राइवर ने बताया कि वो जो लड़का मालवीपुर में उतरा था, उसे वहाँ किसी कुआं पूजन में जाना था। मालवीपुर में जितने भी बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल हैं, सब जगह पता करो कि वो कुआं पूजन फंक्शन कहाँ था। शर्मा, किसी भी तरह से उस लड़के को ढूंढो, क्योंकि हो सकता है उस लड़के से हमें पता चले कि उस रात रागनी के साथ क्या हुआ था। सर मिर्दासपुर में भी इंक्वायरी चालू है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा विटनेस नहीं मिला जिसने रागनी को उस रात में किसी के साथ देखा। सर रागिनी के घर से फोन था, उसकी फैमिली आपसे मिलना चाहती है। रागिनी ने ऑनलाइन पोर्टल से रस्सी मंगवाई थी जो अब डिलीवर हुई। जी सर। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ये रस्सी क्यों मंगवाई। सर पिछले 2 महीने में 3 बार वो ये रस्सी ऑर्डर कर चुकी है। और ये रस्सी जिस अकाउंट से ऑर्डर की गई थी वो गीतांजलि 123। गीतांजलि? सर मेरा ही अकाउंट है, हम दोनों एक ही अकाउंट यूज करते थे। ठीक वैसी रस्सी है जिस रस्सी पर रागनी की लाश लटकी हुई थी। हाँ सर, इसीलिए लगा कि आपको बता देना चाहिए। पर आप तो कह रहे थे कि रागनी सुसाइड नहीं कर सकती, जबकि आपकी बेटी कह रही है कि रागनी पिछले 2 महीने से ऐसी रस्सी मंगवा रही थी। तो क्या रागनी 2 महीने से सुसाइड के बारे में सोच रही थी? सर अब तो मुझे फैमिली वालों पर ही डाउट हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता हो रागनी ने किस वजह से सुसाइड किया है और वो हमें गोल गोल घुमा रहे हैं। अगर घर वाले वाकई को छुपा रहे हैं तो फिर इस केस की कहानी कुछ और है। कैसा हो सकता है सर कि रागनी के घर वाले पिछले 2 महीने से रागनी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, ऑनलाइन रस्सी मंगाना उनकी प्लानिंग का हिस्सा हो? सर रस्सी उसकी बड़ी बहन के अकाउंट से मंगाई गई है, ऐसा हो सकता है कि घर पे उसका मर्डर किया गया और लाश ले जाकर बाहर लटका दी ताकि वो लोग ना फंसे, और सर हमें मर्डर और सुसाइड में उलझा रहे हैं। उस घर का पूरा खर्चा सिर्फ और सिर्फ रागनी के पैसे से चलता था। अब सवाल यह है कि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को क्यों मारेंगे? शायद ऑनर किलिंग वाला एंगल होगा। हो सकता है कि रागनी को कोई ऐसा लड़का पसंद आ गया हो जिसे उसके घर वाले ना पसंद करते। देखो अरविंद रागनी के काफ़ी क्लोज था, पर वो ये नहीं मान रहा कि उसका रागनी के साथ अफेयर भी था। तो क्या ये मुमकिन है कि रागनी किसी और लड़के को मिलने के लिए मिर्दासपुर गई? लेकिन सर मिर्दासपुर में कुछ नहीं मिल रहा है। रागनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक करो, क्योंकि इस रस्सी ने इस केस को और भी उलझा दिया। लेकिन रागनी की मौत का गीतांजलि, गीतांजलि दामाद जी आप दोनों यहाँ मतलब पापा जी, गीतांजलि को शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है पापा, इसके साथ चक्कर चल रहा है। ये क्या बकवास कर रही हो दीदी? हाँ मैंने तुम दोनों की लड़ाई में जीजाजी का साथ दिया, इसलिए कुछ भी बोलोगी तुम? ना ज्यादा भोली बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करो मेरे सामने। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम अपनी बहन को जलील मत करो यार। लेकिन तुम अपने साथ कर रही हो, तू अपनी हद पार मत करो दीदी। तुम और हद में रहो मैं हां।
गीतांजलि, कहीं तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? रागिनी हमेशा तेरे और दामाद जी के झगड़ों के बीच में पीसती रही, कहीं इस बार भी? पीस तो मैं रही थी माँ उन दोनों के बीच में। और अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है ना, तो जाके पुलिस को बता दीजिए कि उसका चक्कर चल रहा था मेरे पति के साथ। मैं भी यही चाहती हूँ कि पुलिस उसको उठा कर लेके जाए, उसको भी कूटे। उस रात मालवीपुर के एक पार्टी हॉल में एक बच्चे का कुआं पूजन था, और रमेश के मुताबिक जिस बच्चे का कुआं पूजन था वो उसका भतीजा था। हमने इस फंक्शन की गेस्ट लिस्ट निकाली, बच्चे के फादर के जितने भी ममेरे चचेरे और दोस्तों की ये तस्वीरें हैं। जो लड़का तेरी टैक्सी में बैठा था, क्या इन तस्वीरों में से कोई है? सर, वो लड़की मालवीपुर के पहले ही कहीं उतर गई थी। कहाँ उतरी थी, जगह का नाम बोल। शायद मिर्दासपुर सर। रात तेरे टैक्सी ड्राइवर और इस लड़की के अलावा टैक्सी में कोई और भी था? सर, दो लोग और थे। कौन थे, जानते हो ना? जी नहीं सर। विनय, रमेश और कैब ड्राइवर निमेश, इन तीनों की स्टेटमेंट सेम है। मैंने चेक भी किया सर, ये तीनों वाकई में एक दूसरे को नहीं जानते। हो सकता है तीनों सच बोल रहे हैं। इन तीनों के अलावा उस रात कैब में एक बंदा और था जो वृंदापुर उतरा था, वो बंदा कौन था? उसका बयान लेना भी जरूरी है। उसका स्केच बनवा इन तीनों से। ओके सर। सर, उस शाम रागिनी की गली दिलीप का नंबर नंदी चौक में एक्टिव था, और सर उसके पास बिल्कुल उसी मॉडल की बाइक है जिसके बारे में चाय वाले ने जिक्र किया था। वो मैंने उसको लिफ्ट दी थी सर, लेकिन मैंने उसको नंदी चौक उतार दिया था। वही तो पूछ रहा हूँ, पहले क्यों नहीं बताया, प्लान क्या था? कैसा प्लान सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं मुझ पर। मैं तो खुद गिल्ट में हूँ कि मैंने उस दिन उसको घर तक नहीं छोड़ा। ये इमोशनल ड्रामा बंद कर, सच बोल। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं उसको घर तक ड्रॉप करता तो मुझे अपने घर जाने के लिए 15 किलोमीटर वापस आना पड़ता। इसलिए रागिनी ने ही मुझसे कहा कि मैं उसे नंदी चौक उतार दूँ, वो शेयरिंग कैब ले लेगी। ठीक है, जाओ। सुनो, कहीं गायब होने की मत सोचना, वरना बहुत पछताओगे। ये पक्का को छुपा रहा है, इसकी उस रात की एक एक एक्टिविटी पता करो। ओके सर। सर, रागिनी की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी मौत फांसी लगने से ही हुई है, और मौत से पहले उसके साथ गैंगरेप भी किया गया। गैंगरेप, ये भी तो मुमकिन है कि जिन लोगों ने उसका गैंगरेप किया उन्हीं लोगों ने उसको मारा, रस्सी से बांधा और पेड़ पर लटका दिया। लेकिन वो रेपिस्ट है कहाँ? रेपिस्ट तो रेपिस्ट, हम तो अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि रागिनी मिर्दासपुर क्यों गई थी। आसमान सर, मिर्दापुर में उस चौथे आदमी का स्केच आइडेंटिफाई हुआ है, मंजुल नाम है सर उसका। लाओ से। हाँ सर, वो लड़की थी उस कैब में और मिर्दासपुर उतरी थी। उस लड़की का गैंग रेप हुआ था और फिर मर्डर, अगर कुछ भी जानते हो तो बता दो। सर, मेरे बच्चे जैसी है वो, मैं खुद हैरान था कि इतनी रात को वो उतरी क्यों। अरे बेटा सुनो। हाँ बेटा, इतने दिनों से मैं यहाँ इतनी पुलिस आते हुए देख रही हूँ, बात क्या है? अरे लड़की की आत्महत्या की ना, उसकी इंक्वायरी चल रही है। पर वो तो 1 किलोमीटर दूर हुई थी, फिर पुलिस यहाँ क्यों पूछ रही है? सर सर, मैंने रागिनी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया सर। गौर करने वाली बात यह है, जिस दिन उसका रेप हुआ है उस दिन उसने इस योगेंद्र नाम के आदमी को बर्थडे विश किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रागिनी को ये बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी इसलिए वो मिर्दासपुर उतरी? लेकिन सर, ये सरकपुर में रहता है। हो सकता है इसने रागिनी को पिक किया वहाँ से। सर, हैरानी की बात तो यही है, ये योगेंद्र रागिनी की बड़ी बहन गीतांजलि का हस्बैंड है, और गीतांजलि और इसका डिवोर्स होने वाला है। What? क्या हुआ? योगेंद्र का नाम सुनकर आप लोग चुपके हो गए? सर, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? सर, वो मुझे डिवोर्स देके मेरी बहन रागिनी से शादी करना चाहता था।
रागनी, रागनी भी उससे शादी करना चाहती थी। सर रागनी तो उसके सामने मुझे ही गलत समझती थी, कभी उसकी असली इंटेंशन नहीं समझ पाई। सर एक नंबर का वाहियात आदमी है वो, मुझसे पहले उसने एक जानवर से भी शादी की थी सर। जानवर? दिमाग खिसका हुआ है सर उसका, कहता है कि उसकी कुंडली में ना दो दो शादियों का योग है, पहले उस जानवर से शादी की फिर मुझसे, और मेरे बाद अब मेरी बहन को फुसला रहा था। सर मैं कुंडली में विश्वास करता हूँ और सच में सर मेरी कुंडली में दो शादियों का योग लिखा हुआ था। तेरा राहु के तो सब बिगाड़ दूंगा समझा। बोल किस किस के साथ मिलकर रागनी का गैंग रेप किया? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप, मैं ऐसे चरित्र का आदमी नहीं हूँ सर, और रागनी तो खुद जानती थी अपनी बहन के बारे में। अब रागनी तो रही नहीं, पर तेरी कथा सुनने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं समझे, टाइम वेस्ट मत कर। बोल। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर, और सर उल्टा मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि गीतांजलि ने अपनी छोटी बहन को कत्ल करवा दिया सर। अच्छा तो अपनी सगी बहन को क्यों मरवाएगी? सर 15 लाख रुपए मांग रही थी मुझसे एलिमनी के लिए, और रागनी मेरे साथ खड़ी थी, वो अपनी बहन के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी, और सर मुझे यकीन गीतांजलि ने अपनी बहन को पैसों की वजह से मरवाया। बोलो। सर ये उस रात के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अरे साहब मैं रोज यहाँ इतनी पुलिस आते हुए देखती हूँ, लेकिन मुझसे पूछा ही नहीं किसी ने कि क्या बात है, तो मैं पहले ही बता देती ना। बात ये है कि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं, ये वो लड़की क्या आपने? अरे साहब मैं यहाँ रोज रात को कुत्तों को बिस्किट खिलाने आती हूँ। आपने 15 तारीख को इस लड़की को यहाँ देखा? देखा तो नहीं साहब, पर एक लड़की की चीखों की आवाज सुनी थी, वो उस तरफ से आ रही थी। तो जिधर से आवाजें आ रही थी आपने वहां जाके देखा? ना बाबा ना, वहां इतना अंधेरा मैं तो डर गई। तो आपने इस लड़की को नहीं देखा? नहीं देखा साहब, खाली आवाज सुनी थी। लेकिन इन्होंने जिस डायरेक्शन से लड़की की चीखने की आवाज सुनी थी, टैक्सी ड्राइवर ने रागनी को उधर ही उतारा था। सर ये भी तो हो सकता है कि उसे अकेला देखकर किसी ने किडनैप कर लिया हो, फिर रेप करके मार दिया हो। मुमकिन है। इस एरिया के जितने भी उठाई गए शराबी जुआरी सबको लाइन अप करो। ओके सर। हाँ शर्मा। सर दिलीप उस रात को घर नहीं गया था, बल्कि वो उसी रात को संतूरी लॉज में था। ये लॉज तो क्राइम सीन से महज 3-4 किलोमीटर दूर है। और एक बात सर, दिलीप के साथ रागनी की बड़ी बहन गीतांजलि भी थी। बुलाओ दोनों को। दोनों 9:30 बजे तक लॉज में थे, तो 10 बजे रागनी का मर्डर हुआ। क्या प्लानिंग चल रही थी? एक्चुअली सर हमारा अफेयर चल रहा था, इसलिए हम आपको सच नहीं बता पाए। तू 2 बार पहले भी झूठ बोल चुका, अब अगर झूठ बोला ना तो उल्टा लटकाऊंगा, समझे? बोलो। सर मैं अपनी बहन का मर्डर क्यों करवाऊंगी सर? सिर्फ हम ही नहीं, तेरा पति भी तुझे तेरी बहन का कातिल मानता है। सर झूठ बोल रहा है वो, और सर रागनी का चक्कर उसके बॉस के साथ भी तो चल रहा था ना, वो भी तो करवा सकता है ना ये। बॉस क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर, हमें तो यही पता चला। क्या आप इसलिए उसे प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे? प्रमोशन पे प्रमोशन मैं उसको इसलिए दे रहा था क्योंकि वो प्रमोशन के काबिल थी, और आपके पास कोई सबूत है मेरे खिलाफ? सर दिलीप ने बताया था। बोलो। सर मुझे तो विजेता ने बताया था। सर मैंने दिलीप से रागिनी और बॉस के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, वो पता नहीं फिजूल में मुझे क्यों बदनाम कर रहा है। सर अभी तक हमारे पास इन सस्पेक्ट्स में से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं। शर्मा अभी तो सस्पेक्ट सामने आने शुरू हुए, इन सब की एक एक डिटेल पता करो। हम लोगों से कहीं ना कहीं कोई तो चूक हो रही है। रागनी तुम्हारी कुंडली देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कोई ना कोई बड़ा मैराकल करने वाली हो, लेकिन एक दोष है और वही तुम्हारी समस्याओं का कारण है। कैसा दोष? बड़ा भारी दोष है। सर हमने इन तीनों की बारीक से बारीक डिटेल निकाली है, निमेश के बारे में कुछ बातें पता चली है। कैसी बात है? ये वर्कोली का सर, 3-3 शिफ्ट में टैक्सी चलाता था, लेकिन उस रात के बाद से ना तो इसने टैक्सी चलाई है और ना ही अपने मोहल्ले के बाहर निकला है। डरा हुआ है क्या? पता नहीं सर। और ये रमेश, ये भी ऑफिस नहीं गया था और ना ही विनय कॉलेज। ये तीनों के तीनों एक ही बयान दे रहे हैं, अब ये सच बोल रहे हैं या झूठ ये पता लगाने का वक्त आ गया।
साहब मेरे कुछ नहीं किया, मेरी तबीयत खराब थी साहब। दिमाग खराब मत कर, तेरी टांगे तोड़ दूंगा समझे। रमेश, मंजूल और विनय सब बोल चुके हैं, तू बोल। भाई मैडम, सरगम पैड 50 रुपया। नहीं भैया, मुझे मिरदास रोड के तालाब वाले रास्ते से होते हुए जाना है। हाँ तो ठीक है मैडम, फिर वहीं छोड़ देंगे। आई बैठिया। वो लड़की पीछे सीट पर बैठी थी और साथ में 3 लोग जो बैठे थे उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे। मैं तो लड़की को बचाना चाहता था। यस साहब। उन तीनों जानवरों ने उस मासूम को गद्द की तरह नोचा। तू, तेरी तो बेटे की उम्र की थी। रेफी ने क्या बल्कि उसको मार दिया? नहीं, नहीं, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने तो उसको जिंदा छोड़ दिया था। हाँ सर, निवेश ने हमें उसके बाद हमारे घर छोड़ दिया था। सर हम वहां से गए तो वो जिंदा थी। सर सच में हमने उसे नहीं मारा। तुम्हें सात मंगलवार ऐसे ही पानी में रस्सी को बहाना और फिर देखना तुम्हारी समस्या कैसे खत्म होती है। ये काला धागा इसे हमेशा अपने हाथ में बांधे रखा है ना। बोल, सबसे आखिर में तुमने मंजुल को 11 बजे वृंदापुर छोड़ा था, उसके बाद तेरी टैक्सी खाली थी, लेकिन फिर भी तू घर नहीं गया। घर गया सुबह, कहाँ था रात पर? बोल बोल, वरना रेप और मर्डर के चार्जेस लगाऊंगा तुझ पर। साहब मैंने पहले रेप नहीं किया, पर वो लड़की मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने पहले उन तीनों को घर छोड़ा, फिर मैं वहां गया था साहब, वही पेड़ पे टांग के आ गया साहब। सर एक मिनट, सर इस क्राइम का मोटिव कुछ और ही है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, मुझे पता था वो रोज शेयरिंग टैक्सी से आना जाना करती है, इसीलिए मैंने प्लान बनाया। मैं और विनय अलग अलग जगह से चढ़े, लेकिन हम जब गाड़ी में चढ़े वो बैठी भी नहीं थी, लेकिन उसने जब मुझे देखा, पड़ोसी है, सोचा होगा सेफ रहेगी, इसलिए गाड़ी में बैठ गई। मैंने छेड़खानी शुरू कर दी, मैंने सामने बैठे वाले रमेश का मिजाज भी पढ़ लिया था। ये क्या बदतमीजी है ये? भैया भैया गाड़ी रोको। ड्राइवर ने जैसे ही उसे उतारा, क्या बिगाड़ा था उसने? मैंने उसको समझाया था उसका घर हमारे घर से ऊंचा ना करे, लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। मैं उनकी जात वालों के घर का पानी भी नहीं पीता, और मैं नहीं चाहता था उसके घर की परछाई में हमारे घर पर पड़े। शर्मा, सर मैंने सुना है कि छोटे गांव कस्बों में लोग भेदभाव के चलते हुए बड़े बड़े गुनाह करते हैं, लेकिन रागिनी के साथ जो हुआ बहुत ही दर्दनाक था। वो लोग रागिनी को छोटा समझते थे, दरअसल छोटी रागिनी नहीं, छोटे थे वो लोग, उनकी सोच, जिन्होंने रागिनी को सिर्फ इसलिए मार दिया ताकि रागिनी के घर की परछाई उनके घर पर ना पड़े, सिर्फ इसलिए एक मासूम की जान ले ली उन लोगों ने, जबकि उनकी खुद की परछाई उनसे शर्म खाती हो। जो लोग दूसरों को भेदभाव की नज़र से देखते हैं, दरअसल समाज में वो विकृति पैदा करते हैं, और ऐसे ही लोग देश में अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।